हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको पैसिव वॉइस की ऐसी चार मैजिक ट्रिक सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप पैसिव वॉइस के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को करने से पहले इसका असली कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बताता हूं, और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको सेंटेंस को समझना जरूरी है। एक सेंटेंस में क्या होता है? देखिए, एक सेंटेंस जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हम डूअर बोलते हैं, जो किसी काम को करता है। एक होता है वर्ब यानी एक्शन, जो काम होता है और उस होने वाले काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं एक सेंटेंस में। ये मैं आपको यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए या पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना बेहद जरूरी है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पर आप इस सेंटेंस को देखिए कि सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें सचिन काम करने वाला है, सचिन है इसमें डूअर, इज प्लेइंग है इसमें वर्ब, और इसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो है क्रिकेट। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सचिन इसमें डूअर है, इज प्लेइंग इसमें वर्ब है और क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने के लिए टेंसेस की नॉलेज होना जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि आप ऑब्जेक्ट को समझें, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखिए, ये है इसका सही कॉन्सेप्ट या असली कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं। एक्टिव वॉइस में डूअर काम करता है जबकि पैसिव वॉइस में डूअर के ऊपर काम होता है, यानी डूअर उससे प्रभावित होता है। एक्टिव वॉइस किसी भी सेंटेंस में यदि डूअर जो है वो काम कर रहा है तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा एक्टिव वॉइस में। यदि डूअर के ऊपर काम हो रहा है, यदि डूअर उससे अफेक्टेड हो रहा है, तो वो सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल ये कॉन्सेप्ट है, और इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि डूअर का काम करना क्या है और डूअर के ऊपर काम होना क्या है। देखिए, यहां पर आप देखिए, मैं स्टोरी सुनाता हूं, मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मैं इसमें स्टोरी सुना रहा हूं, इसलिए मैं क्या हुआ, इसमें मैं हुआ डूअर, इसलिए ये सेंटेंस जो बनेगा मैं स्टोरी सुनाता हूं ये एक्टिव वॉइस में बनेगा क्योंकि मैं इसमें काम कर रहा हूं, मैं डूअर है और वो इसमें काम कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे स्टोरी सुनाई जाती है, इसमें मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मैं तो बैठा हुआ हूं एक कुर्सी पर और मेरे ऊपर यानी मुझे किसी के द्वारा स्टोरी सुनाई जा रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं केवल स्टोरी को सुन रहा हूं, यानी उस स्टोरी का प्रभाव जो पड़ रहा है वो मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे स्टोरी सुनाई जाती है। ये जो सेंटेंस बनेगा ये पैसिव वॉइस में बनेगा। आप दोनों सेंटेंसेस देख सकते हैं कि आई टेल अ स्टोरी एंड आई एम टोल्ड अ स्टोरी, लेकिन ये कैसे बनेगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सरल है पैसिव वॉइस को समझना। राम पढ़ाता है, इसमें राम काम कर रहा है यानी इसमें डूअर काम कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा। यदि मैं बोलूं कि राम को पढ़ाया जाता है तो राम तो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको पढ़ाने का काम तो कोई और कर रहा है, यानी राम के ऊपर टीचिंग का इफेक्ट पड़ रहा है, तो राम को पढ़ाया जाता है, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। अब देखिए, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको और बताता हूं। रोनाल्डो ने फुटबॉल मैच खेला, आप खेल खेलते होंगे, क्रिकेट मैच खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, और रोनाल्डो को आप डेफिनेटली जानते होंगे। रोनाल्डो ने फुटबॉल मैच खेला, रोनाल्डो ने इसमें काम किया, इसलिए ये सेंटेंस बनेगा ये एक्टिव वॉइस में बनेगा। कैसे बनेगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको ये समझना है कि किस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं और किस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। रोनाल्डो ने फुटबॉल मैच खेला, रोनाल्डो ने काम किया, यानी ये सेंटेंस जो है इसमें डूअर काम कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, रोनाल्डो को अवार्ड दिया गया, तो इसमें रोनाल्डो ने काम नहीं किया, रोनाल्डो को अवार्ड किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, रोनाल्डो अफेक्ट हो रहा है उससे, इसलिए सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, चार मैजिक ट्रिक क्या है, इसमें से तीन मैजिक ट्रिक मैं यहां पर आपको बताता हूं। सबसे पहली मैजिक ट्रिक है, देखिए जो टेंस होंगे
वो तीन के होंगे, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, आपको केवल तीन टेंसेस को याद रखना है, या तो जो सेंटेंस होगा वो सिंपल होगा, या वो कंटिन्यूअस होगा, या वो परफेक्ट होगा। यदि ये सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस यदि सिंपल सेंटेंस है, यदि जिसको हम इंडेफिनिट सेंटेंस भी बोलते हैं, तो उसमें आपको इजेमआर या वॉचवर लगाना है और उसके साथ V3 लगाना है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यदि कोई भी सेंटेंस सिंपल टेंस में लिखा हुआ है, इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, जैसे मैं जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं सीखता हूं, ये सारे हैं सिंपल टेंस। यदि कोई टेंस सिंपल टेंस में है, यदि कोई सेंटेंस सिंपल टेंस में है, तो उसको हम इजेमआर या वॉचवर लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस में हम इजेमआर लगाएंगे, पास्ट टेंस में हम वॉचवर लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। यदि कोई कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें आपको केवल बीइंग को देखना है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और यदि कोई परफेक्ट टेंस है, तो उसमें आपको केवल और केवल बीइंग को देखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखना है। सिंपल टेंस में आपको इजेमआर या वॉचवर के बाद V3 लगाना है, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग प्लस V3 लगाना है, और परफेक्ट टेंस में आपको बीइंग के साथ V3 लगाना है। तो ये तो है तीन ट्रिक्स, इनके थ्रू आप किसी भी पैसिव वॉइस सेंटेंस को कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा चौथी ट्रिक। चौथी ट्रिक में क्या है, देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। और यहां पर आपको गलती नहीं करनी है, यदि आपने सही ऑब्जेक्ट को पहचाना, तो आप कठिन से कठिन सेंटेंस को आसानी से कर पाएंगे। चलिए पहचानते हैं ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। देखिए कोई भी सेंटेंस है, उसमें वर्ब से क्या और किसको, ये दो क्वेश्चन पूछने हैं आपको, क्या और किसको, या व्हाट और हुम, तो उसका जो जवाब आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट। आई ईट एप्पल्स डेली, मैं डेली खाता हूं, लेकिन क्या खाता हूं, एप्पल्स खाता हूं, तो इसलिए इस सेंटेंस में एप्पल जो है ये हुआ ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव वॉइस बनेगा वो एप्पल से बनेगा, डेली से नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई ईट एप्पल्स एंड मैंगोज, मैं क्या खाता हूं, मैं एप्पल्स भी खाता हूं, मैंगोज भी खाता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट हुआ वो हुआ एप्पल्स एंड मैंगोज, और जो पैसिव वॉइस बनेगा वो एप्पल्स एंड मैंगोज से बनेगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई टीच राम, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं किसको पढ़ाता हूं, मैं राम को पढ़ाता हूं, इसलिए राम हुआ ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस पैसिव वॉइस जो बनेगा वो बनेगा आपका राम से। अब देखिए, आई टीच राम ऑन संडे, ऑन संडे से सेंटेंस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा राम से, क्योंकि राम इसमें ऑब्जेक्ट है। आई टीच राम, मैं पढ़ाता हूं, मैं किसको पढ़ाता हूं, मैं राम को नहीं पढ़ाता, मैं राम को पढ़ाता हूं, मैं संडे को नहीं पढ़ाता, ठीक है। मैं किसको पढ़ाता हूं, मैं राम को पढ़ाता हूं, तो यहां पर असली ऑब्जेक्ट हुआ राम, ठीक है। ऑन संडे एंड में आएगा, सेंटेंस जो बनेगा वो राम से बनेगा। तो इस तरीके से एक सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नाउन है, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन प्रोनाउन का जो केस होता है, जैसे आई का मी हो जाता है या मी का आई हो जाता है, उसको आपको चेंज करना होता है। आई टीच राम एंड श्याम ऑन संडे, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, क्या आप बता सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है राम एंड श्याम, इसमें ऑब्जेक्ट ऑन संडे नहीं है। संडे जो है इसमें ऑन का ऑब्जेक्ट है, ऑन होता है प्रपोजिशन, इसलिए संडे जो है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसमें राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम से जब इस सेंटेंस को आप चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए हम करते हैं, और बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चन को कर पाएंगे आप। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है, समवन इज फॉलोइंग अस, तो ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग लगाते हैं। अब बीइंग यहां पर दो सेंटेंसेस में दिया गया है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस की एक ट्रिक मैंने आपको और बताई है, कि एक्टिव पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो अस इसको हम चेंज करेंगे वी में, तो सेंटेंस सही इसका आंसर क्या होगा, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन।
तो सही सेंटेंस होगा इसका विद इन सेकेंड्स, देखिए इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही टीचेस गुड इंग्लिश, वह पढ़ाता है, लेकिन क्या पढ़ाता है? गुड इंग्लिश पढ़ाता है, इसलिए इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा गुड इंग्लिश, और जो पैसिव वॉइस बनेगा वो गुड इंग्लिश से बनेगा। अब ये सेंटेंस किस तरीके का है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए इसमें बीइंग नहीं आएगा, इसमें हम इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और आपका जो आंसर होगा वो होगा गुड इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई हैव टॉट हिम, ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या देखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बीन देखते हैं, इस हिम का ही हो जाएगा और सेंटेंस स्टार्ट होगा ही से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ही हैज बीन टॉट बाय हिम। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये किस तरीके का सेंटेंस है? प्लेइंग आ रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम किसको नोटिस करेंगे? हम केबल और केबल बीइंग को नोटिस करेंगे, और बीइंग किस में है? देखिए फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, नहीं है, बीइंग है आपका फोर्थ में, तो आपका आंसर होगा इसमें फोर्थ, क्योंकि बीइंग जो है वो फोर्थ में है, हमको केवल बीइंग को नोटिस करना है, और इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, और इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि डिगिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या नोटिस करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग को देखेंगे, और बीइंग दिया गया है थर्ड सेंटेंस में, इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड। अब देखिए इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि इसमें सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा। तो सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा इसको जानने के लिए आपको एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी है, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जानने के लिए आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्या या किसको? द लेबरर वॉज डिगिंग, मतलब लेबरर खोद रहा था, क्या खोद रहा था? अ होल, एक होल को खोद रहा था। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, और यहां से सेंटेंस बनेगा, अ होल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, और चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। अ होल वॉज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द लेबरर, थर्ड इसका आंसर होगा। अब देखिए द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पुलिस किसको क्वेश्चन कर रही है? पुलिस किसको क्वेश्चन कर रही है? पुलिस क्वेश्चन कर रही है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा दोनों को, इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, और यहां से आपका आंसर बनेगा, चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें हम केवल बीइंग को देखेंगे और किसी भी चीज को हम नहीं देखेंगे। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस, तो बीइंग जो है ये केवल फोर्थ सेंटेंस में है, और इसका आंसर होगा फोर्थ। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, और यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसका एप्लीकेशन मैं यहां पर आपको बताऊंगा। अजय कमिटेड द क्राइम एंड टू द कोर्ट, सपोज ये सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलता है, और इसके लिए ऑप्शन आपको मिलते हैं टेकिंग, वॉज टेकन, टेकन एंड टुक, क्या आप लगाएंगे? देखिए अजय ने क्राइम किया, तो यहां पर हमने टेंस का यूज किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई, उसके बाद अजय को कोर्ट ले जाया गया। जब अजय को कोर्ट ले जाया गया तो ये काम किसके ऊपर हो रहा है? अजय के ऊपर काम हो रहा है, यहां पर अजय काम कर रहा है क्योंकि अजय ने क्राइम किया है, लेकिन इस पार्ट में अजय को कोर्ट में ले जाया जा रहा है, यानी अजय के ऊपर कोई काम हो रहा है, अजय काम नहीं कर रहा है, यानी ये जो पार्ट है ये आएगा आपका पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट टेंस है इसलिए हम लगाएंगे वॉज, तो ये हो जाएगा वॉज टेकन, वॉज टेकन पैसिव वॉइस है, ठीक है। फर्स्ट इसका जो सेंटेंस का पार्ट है वो है एक्टिव वॉइस, और जो सेकंड पार्ट है वो है पैसिव वॉइस, इसलिए सेकंड पार्ट में हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे वॉज वर या इज एम आर के साथ, तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड। अब देखिए ये सेंटेंस आप देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर स्पोकन इंग्लिश इन गुड स्कूल्स। अब देखिए स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, यानी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर टीचिंग का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा।
ऑल द स्टूडेंट्स आर स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, स्पोकन इंग्लिश का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, एक्शन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, और पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए यहां पर आएगा टॉट, और ये इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको समझना है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, और इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो क्लास में इतना ही, इसके आगे के पार्ट्स आप नेक्स्ट वीडियो क्लास में देख सकते हैं। थैंक यू।